देखिए स्टूडेंट, बार बार हम लोग जो है वीडियो लेकर आना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे अराइज हो जाते हैं कि सर रिजल्ट कब है, रिजल्ट कब है, रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट के लेके वीडियोस बनाने पड़ते हैं और कई बार तो यकीन मानिए कि किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि रिजल्ट कब आना है और वो एक अंदाजे से आपको बता के चलते हैं कि इस तारीख से लेकर इस तारीख के बीच में रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि वो अनुमान ही लगाना होता है, अनुमान के बेसिस पे ही चलना पड़ता है। अगर कोई भी डिक्लेरेशन ऊपर से नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसे सोर्स से नहीं पता चल पा रहा है कि रिजल्ट कब आएगा। अभी भी देखो स्थिति ऐसी बनी पड़ी है कि मैं नहीं समझता हूँ कि रिजल्ट जो क्लास 10th और 12th का है इस माह में इतनी जल्दी आएगा, क्योंकि एक तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जो है बेसिस पे करनी है, हर एक रिजल्ट को अच्छे से देखना है, स्टाफ कम है, तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं पे ये टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो सिचुएशन यहाँ पर इस तरीके से बन गई है कि अभी जो है NIS ओपन बोर्ड को समय लगेगा इस रिजल्ट को बनाने में, क्योंकि रिजल्ट जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाना है कि किसी भी स्टूडेंट का इसमें लॉस ना हो, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो इस प्रक्रिया के चलते जो है घाटे में चले जाए। तो इस सिचुएशन को देखते हुए बहुत ही आराम से जो है पहले सबको जो है जो भी मार्किंग स्कीम NIS ओपन बोर्ड की है उनको सभी टीचर्स को डिक्टेट करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि आपको कैसे मार्क्स कैलकुलेट करने हैं और किस बेसिस पे आपको मार्क्स देने हैं, फिर वो मार्क्स देखकर फिर उनका पासिंग कैटेगरी निकालना है। तो मेरे दोस्तों, हाँ आप ज़रूर NIS का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि सर रिजल्ट कब है ये बता दीजिए, तो मैं आपको सही तौर पे बताऊं अभी तक ऑथेंटिक न्यूज़ कोई भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। और ऊपर से भी जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी लगभग लोगों को यही निकल के आ रहा है कि सर अभी कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी कितना समय और लगेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जहाँ एक और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने CBSE बोर्ड को बोला है कि किसी भी हालात में जुलाई तक जो है अपना रिजल्ट को डिक्लेयर करें, तो उसी तरीके से जहाँ एक और CBSE का रिजल्ट आएगा तो NIS के ऊपर भी जो है प्रेशर होगा, क्योंकि आगे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी तैयारी अपनी करनी है आगे के एग्जाम्स को लेकर, तो वो भी अपना रिजल्ट को जल्द से जल्द लेकर आएगा। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि अभी तक तो कोई भी पर्टिकुलर डेट नहीं है जो मैं भी आपको दूँ, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जून जुलाई का जो महीना है उसके एंड में जाके हो सकता है हमारा रिजल्ट आए, क्योंकि उससे पहले कोई सिचुएशन ऐसी दिखाई दे नहीं रही है कि कोई भी जो है यहाँ पर रिजल्ट की प्रक्रिया को बारे में बता रहा हो या फिर इस तरीके की कोई अंदेशा सामने आ रहा हो कि हाँ अब रिजल्ट आने वाला है। जी नहीं, अभी समय लगेगा, इसलिए आप पैशन बना के रखिए। बार बार अगर आप ये पूछते रहेंगे रिजल्ट कब आएगा, उससे जल्दी नहीं आएगा रिजल्ट, जब आना है वो तभी आएगा। लेकिन हाँ, आपकी जिज्ञासा को मैं जो है मद्देनजर रखते हुए आपको कोई इसमें गलत नहीं बनाऊंगा, आपका जो है उत्सुकता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्सुक आप बहुत हो इस रिजल्ट को देखने के लिए और जानने के लिए कि हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है, और ताकि हम अपना आगे का एडमिशन प्रोसेस को कर सकें। हम भी आपके साथ हैं, आपकी पीड़ा को समझते हैं, इसलिए NIS के जितने भी स्टूडेंट हैं 10th और 12th के, जैसी कोई जानकारी आएगी हमारा ये VCIC गुरुजी चैनल आपके लिए तत्पर रहता है। चाहे रात के 1 बजे हमें न्यूज़ मिले तो हम तुरंत वीडियो बनाकर सुबह लॉन्च कर देते हैं, उसी तरीके से अगर कोई भी ऐसी जानकारी आएगी तो आप तक जरूर पहुँचाएंगे। लेकिन फिर भी अभी तक मैं बताऊँ कि जुलाई के मंथ के एंड में जाकर हो सकता है ये रिजल्ट आए, तब तक के लिए आपको वेट करना है। और कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम लोग उसका वीडियो लेकर जरूर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।